हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो, अभी हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा के अंदर अभी जो जेई लेवल की जो वैकेंसीज आने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एक एक पॉइंट मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। और पीछे का जितना भी बैकग्राउंड है, जो भी भर्तियां हुई है, उसके बारे में आपके सामने चर्चाएं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए 42 नंबर यहां पर दिया हुआ है ये, ठीक है। 42 नंबर वैकेंसीज के अंदर क्या कुछ लिखा है ध्यान से पढ़िए। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। काफी अच्छी पोस्ट है ये। यहां पर अगर किसी बच्चे के पास इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर किसी के पास अगर मैकेनिकल है तो वो अप्लाई कर सकता है भाई, ठीक है ना। यहां पर पॉइंट क्या दिया हुआ, यहां पर पॉइंट दे रखा है इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है तो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ कुल पोस्ट कितनी है देखिए, 10 पोस्ट रहेगी, पोस्ट थोड़ी सी कम है, बाकी जॉब लेवल काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। सिंपल सा बस, और कुछ इसके अंदर लिखा है नहीं, ये तो आप सभी को पता ही है, ठीक है। पहला तो हमारे पास ये पॉइंट हुआ 42 नंबर का। उसके बाद हमारे पास है 87 नंबर है, एक बार चेक कर लेते हैं 87 नंबर है क्या, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इन सभी पोस्ट के बारे में, तैयारी करें कैसे करें, क्या कुछ हमारे पास पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो कौन सा हमारे पास नंबर है, जस्ट वेट, चलिए यहाँ पर हमारे पास नंबर है 85 नंबर है, मैंने सभी लगभग नोट कर रखे थे, ये देखो 85 नंबर, ठीक है। 85 नंबर में लिखा हुआ है HVPNL के अंदर जो GSO की पोस्ट आई हुई है, ठीक है ना। कितनी पोस्ट रहेगी, 46 नंबर ऑफ पोस्ट है, पोस्ट कम है, कोई बात नहीं, बाकी अच्छी तैयारी करोगे तो आपका इसके अंदर भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिए यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जिस बच्चे के पास ट्रिपली ब्रांच है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच किसी के पास है, ठीक है, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो वो यहाँ पर ध्यान से देखिए, काफ़ी बच्चे डाउट में थे कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भी लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा है, क्या हम जो ECE वाले बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो वो इसमें नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपली ब्रांच या फिर कोर इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। 46 नंबर ऑफ इसके अंदर पोस्ट दे रखी है, ओके। यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या कुछ है, टेक्निकल एजुकेशन विद ए मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है, या फिर अदर जो भी कैटेगरी है उसके अंदर। सिर्फ SC कैटेगरी के अंदर आपको छूट मिली है, कितने 50% नंबर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना भाई, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कुछ रहेगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 127 नंबर, मैं आपको 127 नंबर पे लेके चलता हूँ। देखिए हमारे पास क्या कुछ दे रखा है, यहाँ पर 115 नंबर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 127 नंबर, ठीक है। 127 नंबर में ध्यान से पढ़ना अभी क्या कुछ लिखा हुआ है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, ये 127 नंबर है। फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम वही बात लिख रखी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर डिग्री की बात करें, डिग्री वाले भी बात सेम लिख रखी है, ठीक है। डिप्लोमा में आपके 60% से ऊपर या फिर 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, और अगर आपकी SC कैटेगरी है तो आपके क्या है यहाँ पर 55% मार्क्स है तो चलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो कितनी पोस्ट है, 221 नंबर ऑफ पोस्ट है, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, यहां पर देखिए ULB के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ 8 है, यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिकल मांग रखा है। अब यहाँ बोलो सर हम ट्रिपली वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो ट्रिपली वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि ज़्यादा डाउट बच्चों का आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम क्या करें बताइए,
मैं आपको बता दूं 2011 की जो भर्ती निकली थी, आप सभी को अगर किसी को पता हो तो, ठीक है, 2011 के अंदर एक जेई की पोस्ट निकली थी जिसके अंदर नंबर ऑफ पोस्ट थी टोटल 72। इस टाइम सिर्फ इंटरव्यू बेस पर ही क्या हुआ था, ठीक है ना, जो इंटरव्यू बेस है उसी पर क्या हुआ था, इसके अंदर सिलेक्शन होना था, इंटरव्यू हुआ था, डायरेक्ट एग्जाम वगैरह नहीं था उस टाइम में। और जिस बच्चे के नंबर क्या थे 65% मार्क्स से ऊपर थे, उन्हीं का इसके अंदर इंटरव्यू हुआ था। यहां पर 2011 तक की भर्ती तक आप सभी को बता दूं तो मैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रिकल है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, ये सारे अप्लाई कर रहे थे उस टाइम और उनका इंटरव्यू भी हुआ था। वो तो किसी कारणवश ये भर्ती जो है वो कैंसिल हो गई थी, ठीक है, ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके बाद की जो भी भर्तियां हुई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउ नहीं किए गए हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अलाउ नहीं है जेई के अंदर। जेई के अंदर सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रिकल ही मांग रखा है, ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कुछ प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करें उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVNL, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सेम वही बात है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेम वही बात, ट्रिपली, और आपके पास इलेक्ट्रिकल है तो आप अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसेस लिखा हुआ है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 156 नंबर ऑफ पोस्ट है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई की भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तो 129 नंबर हो गया, 28 हो गया, ठीक है ना, 128 मैंने बता दिया, और 127 नंबर, ये सारी पोस्ट क्या है, जेई लेवल की पोस्ट है। यहां पर मैं आप सभी को बता दूं, अगर कोई साथी हमारे साथ तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, जेई लेवल की, इसका पूरा मैं प्रोसेस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या कुछ प्रोसेस रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे पास जेई लेवल की तैयारी करना चाहे तो उसके लिए क्या रहेगा प्रोसेस, ध्यान से देखिए। ऑफलाइन अगर तैयारी करनी है तो आप आइए हमारे पास दीवान एकेडमी में, टारगेट बैच है, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक क्लासेज चलेगी, ठीक है। उसके बाद दीवान डिवाइन स्टडी ऐप है अपनी, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, थ्योरी बैच प्लस MCQ बैच। आप बोलोगे सर ये क्या ये जेई लेवल की तैयारी है, क्या ये GSO लेवल की तैयारी होगी, उसके लिए मैं आप सभी को बता दूं, देखो जितनी भी पोस्ट हरियाणा के अंदर अभी ALM की, सबसे पहला हमारे पास क्या टारगेट है देखिए, सबसे पहले तो है ALM, उसके बाद है SC, उसके बाद है GSO, उसके बाद है जेई, एक WPO भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। सभी के लिए मान लो हम बात करें सभी के लिए, जो थ्योरी पोर्शन है यहाँ पर WPO को हटा सकते हैं, क्योंकि WPO का थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इनका जो थ्योरी लेवल है वो लगभग क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा जी, GSO और JEE तो हमारे पास डिप्लोमा लेवल है, BTEC लेवल है, सेम कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इस ऐप पर आपको डिवाइन स्टडी ऐप पर जो GSO और JEE लेवल का थ्योरी का पोर्शन कुछ अलग है इन सभी से, उसके लिए मैंने अलग फोल्डर बना रखा है जिसे लिखा हुआ है GSO और JEE, मैंने लिखा हुआ है, उसके लिए आप वहां पर क्लिक करोगे तो GSO और JEE के जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो आपको थ्योरी का पार्ट अलग से इनके लिए है, वो अलग से क्लास आप इसी के अंदर देख सकते हो। बाकी बैच अपना है, पूरा कॉमन बैच है, अच्छी तरह से ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए। अब की बार मैंने आप सभी को बता दिया, रिकॉर्ड सिलेक्शन करवाने ही है हरियाणा के अंदर, ठीक है, विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और लगभग आप सभी का जो JEE लेवल का डाउट था बच्चों का वो लगभग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। JEE लगने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार आप पूछोगे सर मेरे CET में इतने नंबर है, क्या मैं JEE लेवल की तैयारी कर सकता हूँ क्या, जो बच्चा JEE लेवल वास्तव में तैयारी करना चाहता है तो वो ये नहीं पूछता भी मैं JEE लेवल की तैयारी करूँ या ना करूँ, ठीक है। JEE बनने के लिए थोड़ा सा आपको क्या टाइम चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से टाइम देना पड़ेगा, और जितना आप अधिक टाइम दोगे इस चीज़ के अंदर, थ्योरी ये समझ लीजिए एक पूरा समुंदर है, एक पूरा हमारे पास समुद्र है, इस समुद्र से जो मेन मेन चीज़ हमें निकालने के लिए क्या रहता है, ज़रूरत रहेगी प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े, डिवाइन स्टडी ऐप पर ऑनलाइन है, थ्योरी बैच आपको क्या मिलेगा, MCQ बैच भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक हमारी मार्केट में आ रखी है, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।